हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो कल मैच होने वाला है, उसके बारे में और साथ में पिच रिपोर्ट के बारे में। गाइस, पहले मैं बात करूं ग्राउंड और पिच रिपोर्ट की, तो यहां जो अभी तक है वो 130 मैचेस हो चुके हैं, और 130 मैचेस जो हैं, टोटल मैचेस जो हैं, उनमें जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 76 मैचेस जीते, और जिसने बैटिंग सेकंड की उसने 54 मैचेस जीते। मींस यहाँ पे टॉस विनर कैप्टन जो है वो हमेशा बैटिंग चुनना पसंद करता है, और 70% जो मैचेस हैं वो जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने विनिंग किया है। मैं पेसर्स की बात करूँ तो पेसर्स का यहाँ स्कोरिंग है वो 710 है, और स्पिनर्स की मैं बात करूँ तो स्पिनर्स का जो विकेट्स हैं वो 605 है। मींस लगभग 51 और 49% है कि पेसर्स को लगभग 51% विकेट्स मिले, और जो स्पिनर्स हैं उनको 49% विकेट्स मिले हैं। वेदर है वो रेनी रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में जब आप बॉलर्स चुनेंगे तो पेसर्स और स्पिनर्स को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, और साथ में बैटर्स को भी, क्योंकि ये जो पिच है ना वो बैटर्स को बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है, बैटर्स को ज़्यादा सूटेबल रहती है। तो आपको बैटर्स का भी और बॉलर्स का भी, बॉलर्स में स्पिनर और पेसर्स का और बैटर्स का भी आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर बात करूँ स्टार्टिंग में, ये पिच है जो पेसर्स को सपोर्ट करेगी, और पेसर्स को अच्छा स्विंग मिलेगा, अच्छा मूवमेंट मिलेगा, यस उनको विकेट मिलने के भी चांस रहेंगे। और बैटर्स की मैं बात करूँ तो ये बैटर्स को बहुत अच्छा शूट करती है, अगर बैटर्स एक बार संभल कर अच्छे से खेलेगा तो नो डाउट वो फिर लंबी पारी खेलेगा, क्योंकि उनको भी अच्छा जंप मिलता है, अच्छी मूवमेंट मिलती है, तो ये बैटर्स को भी अच्छा उनको चौके छक्के मारने का मौका मिलेगा पावर प्ले में, और साथ में जो पेसर्स हैं उनको भी विकेट निकालने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ हम बात करें कि विकेट्स की बात करें कि राइट आर्म फास्ट बॉलर को कितने विकेट मिले, तो यहाँ पे राइट आर्म बॉलर्स हैं उनको 332 विकेट का रिकॉर्ड है, जिनमें फास्ट बॉलर को 46 मिले 46, फास्ट मीडियम को 103, मीडियम को 24, और स्लो बॉलर को 159। मींस जो हाईएस्ट टैली है वो स्पिनर्स की है 159, और साथ में फास्ट मीडियम की है जो 103 है, फिर फास्टर की है 46 है, और मीडियम की 24 है। इस तरह से लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करें तो लेफ्ट आर्म बॉलर्स में जो फास्ट बॉलर हैं उनको 9, फास्ट मीडियम को 50, मीडियम को 3, और स्लो बॉलर को 62 मिले हैं। तो अगर हम चाहे लेफ्ट आर्म बॉलर हो या राइट आर्म बॉलर हो, गाइस फास्ट मीडियम और साथ में स्पिनर, इनके ज़्यादा विकेट्स रहे हैं, तो आप जब अपना बॉलर्स का सिलेक्शन करो तो उसमें फास्ट मीडियम को प्रायोरिटी पे रखें और साथ में स्पिनर्स को प्रायोरिटी पे रखें। अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज की, तो 51% 235 विकेट हैं वो पेसर्स को मिले, और 221 49% विकेट्स हैं वो स्पिनर्स को मिले। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच होने वाला है ये आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होगा, ठीक है। इस टीम में इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज जो ड्रीम 11 होगी, या जो पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी, मोहम्मद सिराज होंगे, रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, एस ठाकुर, कुलदीप यादव, शुभमन गिल, आई किशन, जे बुमराह, मीन्स जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, ये होंगे, ये होने वाले हैं, है ना, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी में से कोई एक होगा। तो हम मोहम्मद सिराज की बात करें, मोहम्मद सिराज राइट आर्म जो हैं ये पावर प्ले में भी बॉलिंग करेंगे और डेथ ओवर की बॉलिंग करेंगे, और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। इनका अभी जो पिछले 5 मैचेस का है 10 विकेट लिए हैं, और इनका अभी पॉइंट्स भी अच्छे चल रहे हैं, तो मोहम्मद सिराज ड्रीम 11 टीम में जगह बनाएंगे। रोहित शर्मा है कल जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी है, इन्होंने इनिंग खेली है, साथ में रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, तो आप रोहित शर्मा भी मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। पिछले 5 मैचेज में, 3 मैचेज में इन्होंने अच्छे रन बनाए हैं, एक में 56, 74 और 57, तो आप इनको मस्ट ऑफ पिक रखें और अपने टीम का कैप्टन भी बना सकते हैं। केएल राहुल है, केएल राहुल अच्छे बॉलर हैं नो डाउट, और अच्छे बैट्समैन करते हैं, लेकिन साथ में रंजीता जो है इनको एक बार आउट कर चुके हैं, और साथ में डिसिल्वा इनको प्रॉब्लम करते हैं, साथ में डी सनाका इनके लिए प्रॉब्लम करते हैं। तो केएल राहुल अच्छे विकेट कीपर हैं, पिछले 5 पारियों की बात करूं तो पिछली 3 पारियों में इनके 68, 39 और 74 अच्छा स्कोरिंग रही है, लेकिन कल शायद केएल राहुल के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आप अपनी किसी टीम में इनको जगह दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या तो हमेशा ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, यस आप इन, लेकिन इनके लिए भी के रजीथा जो है उनको एक बार आउट कर चुके हैं, जबकि हार्दिक पांड्या जो हैं वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करेंगे और साथ में डेथ ओवर की बॉलिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं
मैच में ट्विस्ट ला ही देते हैं और इनके जो हक के इनके हिस्से के जो फैंटेसी पॉइंट है वो आपको दे ही देंगे, तो ये मस्ट हैव पिक रहने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूँ शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और इस पिच पे राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ज़्यादा चलते हैं। पिछले 5 मैचेस की बात करें तो 12 विकेट ले चुके हैं, तो आप शार्दुल ठाकुर को ले सकते हैं। कुलदीप यादव हैं जो स्लो लेफ्ट आर्म चाइना मैन हैं, स्पिन पिच है, लेकिन पिछले 5 मैचेस की बात करें तो इनको विकेट कम मिले हैं, 6 विकेट ही मिले हैं, तो आप इनको अपनी किसी टीम में जगह दे सकते हैं, एक से अधिक बनाए तो, है ना। शार्दुल ठाकुर हैं, आप उनको भी अपने ड्रीम टीम में जगह देंगे, लेकिन मोहम्मद सिराज है वो ड्रीम इलेवन में आएंगे। शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल का पिछले 5 मैचेस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, नो डाउट 5 में से 3 मैचेस में बहुत ही अच्छे उन्होंने रन बनाए, 58, 67 और 77, यस, और पावर प्ले में बैटिंग भी करते हैं, लेकिन इनके लिए भी के रजिथा है वो ट्रबल क्रिएट करते हैं और उनको ये उनसे बीट होते हैं, डी सनाका से भी बीट होते हैं, तो लेकिन ये ड्रीम इलेवन में रहेंगे। इनके फैंटेसी पॉइंट भी अच्छे हैं और साथ में इनके रन भी अच्छे हैं, आप इनको चाहें तो अपने ड्रीम इलेवन टीम में इनकी जगह किसी और को भी ले सकते हैं विदाउट इमोशनल। आई किशन है, आई किशन की पिछली 5 पारियों में से 4 पारियों में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 82, 27, 77, 55, आप इनको मस्ट ऑफ पिक रखिए नो डाउट। जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह जो पिछली 5 पारियों में 7 विकेट ले चुके हैं, अभी अच्छी परफॉर्मेंस में हैं और इन या तो ये रहेंगे या मोहम्मद शमी रहेंगे, आप इनमें से किसी भी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं नो डाउट, या फिर अपनी किसी टीम में जगह दे सकते हैं। रविंद्र जडेजा जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, रविंद्र जडेजा जो है मस्ट ऑफ पिक रहेंगे, ऑलराउंडर हैं और साथ में हमेशा पॉइंट देते हैं और श्रीलंका के जो अगेंस्ट हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है देन हार्दिक पांड्या, तो अगर आप इनको वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं, हार्दिक पांड्या और इनको वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं, साथ में ऑलराउंडर बॉलर हैं और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, स्पिनर्स हैं और ये आपको पॉइंट दे ही जाएंगे और साथ में ये जो बॉलिंग है वो डेथ ओवर में और पावर प्ले में बॉलिंग कहीं भी करते हैं। विराट कोहली है मस्ट ऑफ पिक रहेंगे, लेकिन के रजिथा इनको आउट कर चुके हैं एक बार और डी सनाका भी इनके लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं, यस, इनका जो है आपको इनको तो टीम में लेना ही लेना है। अब हम बात करें श्रीलंका की बात करें तो एम तीक्ष्णा जो है वो डेथ ओवर में भी बॉलिंग करेंगे, पावर प्ले में भी बॉलिंग करेंगे, ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं और बहुत अच्छा विकेट लेते हैं, इसलिए 5 पारियों में इनके जो विकेट हैं वो 3, 1, 2, 2, 1 हैं, तो ये आप इनको अपने ड्रीम इलेवन टीम में या स्मॉल लीग में आप इनको अवश्य जगह दें। डी करुणरत्ने हैं, ये पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और 18, 32 और 41 इनकी 5 पारियों में से 3 पारियों में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, आप इनको किसी टीम में जगह दे सकते हैं। पी निशांका हैं, पी निशांका अभी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है उनकी, ये मस्ट हैव पिक रहेंगे ड्रीम इलेवन टीम में और पिछले 5 में से 3 पारियों में 40, 41 और 51 इनके अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जबकि इनके लिए मोहम्मद शमी और पी पटेल, अक्षर पटेल, ए पटेल इनके लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं, तो अगर मोहम्मद शमी को टीम में हैं तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज इनको टीम में जरूर लें क्योंकि पी निशांका के लिए अभी कोई ज़्यादा ट्रबल क्रिएटर नहीं है। के मेंडिस बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं नो डाउट, अच्छी बड़ी पारियाँ खेल रहे हैं, 50, 92 और 49 की पिछली 3 पारियों का रिकॉर्ड है, है ना, पावर प्ले में बैटिंग करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोहम्मद सिराज इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, तो आप इनको कल इग्नोर कर सकते हैं, अगर मोहम्मद सिराज की बॉलिंग रहेगी तो के मेंडिस के लिए ट्रबल रहेगी। कुलदीप यादव एक बार इनको आउट कर चुके हैं और नो डाउट कल टीम में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज रहने वाले हैं, तो आप चाहें तो इन पर रिस्क ले सकते हैं, चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। एम पथिराना है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, है ना, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 3, 4, 1, 2 मीन्स 5 में से 4 मैच में इन्होंने विकेट्स लिए हैं और आप इनको अपनी ड्रीम टीम में या अदर टीम में जरूर हिस्सा रखें, बहुत अच्छे बॉलर है, डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे और पावर प्ले में भी बॉलिंग करेंगे। डी वेलेलेज हैं, इनको मोहम्मद शमी एक बार आउट कर चुके हैं, मोहम्मद सिराज आउट कर चुके हैं, कुलदीप यादव ट्रबल क्रिएट करते हैं, तो डी वेलेलेज जो हैं वैसे इस ग्राउंड के अच्छे हीरो रहे हैं, आप चाहें तो इनको अपनी ड्रीम इलेवन टीम में ले सकते हैं और अदर किसी दूसरी टीम में ले सकते हैं। इससे डी डिसल्वा हैं, इनके लिए ये इनको मोहम्मद शमी एक बार आउट कर चुके हैं, अक्षर पटेल एक बार आउट कर चुके हैं, पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है और ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, तो डी डिसल्वा इस ग्राउंड पे इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है आर प्रेमदासा स्टेडियम पे, आप चाहें तो इनको ड्रीम इलेवन टीम में रख सकते हैं और चाहें तो किसी दूसरी टीम में रख सकते हैं, लेकिन इनको एम शमी से और ए पटेल से बच के रहना पड़ेगा। डी सनाका हैं, डी जो सनाका हैं इन अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कुलदीप यादव इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, यस,
और अक्षर पटेल इनके लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं, जबकि ये डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, साथ में बैटिंग भी अच्छी करेंगे और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, आप चाहें तो डी सनाका को रख सकते हैं। के रजिथा है, मस्ट हैव पिक रहेंगे। के रजिथा भी अच्छी परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव इनको इनके लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी पिछले इंडिया के खिलाफ इन्होंने 5 मैचेज में 8 विकेट्स लिए हैं और ये दोनों जगह बॉलिंग करेंगे, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे और डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे। तो इसके अलावा एस समर विक्रमा है, अभी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, उनके लिए कोई ज़्यादा ट्रबल भी नहीं है। 93-54-36 की इनकी अभी 3 बड़ी पारियां इन्होंने खेली हैं, आप इनको अपनी ड्रीम 11 टीम में मस्ट हैव पिक रखिए। इसी तरह से सी अलास्का है, सी अलास्का की 2 बड़ी पारियां हैं 36 और 62 की, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बोलर बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, आप चाहे तो इनको अपनी किसी टीम में जगह दे सकते हैं। तो कल जो गाइज हमारी जो ड्रीम 11 टीम रहने वाली है वो विकेट कीपर आई किशन रहेंगे, क्योंकि आई किशन के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे के एल राहुल के लिए रजिथा जो है और सनाका हैं ये प्रॉब्लम है, और डिसिल्वा भी प्रॉब्लम है, लेकिन आई किशन के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराउंडर में जडेजा और हार्दिक पांड्या रहेंगे, यस। और बॉलर्स में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और के रजिथा रहेंगे। बैटर्स में आर शर्मा, विराट कोहली, एस समर विक्रमा, पी निशांका और एस गिल रहेंगे। कैप्टन हमारे रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या रहेंगे। आप वाइस कैप्टन जडेजा को भी बना सकते हैं और आप चाहें तो विराट कोहली को कैप्टन बना सकते हैं। कल जो ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं गाइस, जैसे ड्रीम इलेवन टीम में सबको जगह मिलना बड़ा मुश्किल काम है, तो जो ट्रम्प कार्ड के तौर पर आप जिनका यूज़ कर सकते हैं अदर टीम में, उनमें हैं आपके एम तीक्ष्णा हैं, ठीक है, डी करुणारत्ने हैं, के मेंडिस हैं, एम पथिराना हैं, डी वेलेलिज हैं और साथ में डिसिल्वा हैं। ये 3-4 खिलाड़ी हैं जिनको आप टीम में कहीं ना कहीं जरूर आपको सेट करना पड़ेगा। इसी तरह से सी अलास्का हैं। इसी तरह से मैं इंडिया की तरफ से बात करूं तो जैसे आपके के एल राहुल हैं, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, यस, क्योंकि हम ड्रीम इलेवन टीम में आई किशन को ले रहे हैं। इसी तरह से साधु ठाकुर हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, तो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, यस। इसी तरह से आपके अगर जो पी कृष्णा हैं वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, मोहम्मद समी आते हैं वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो आप इस तरह से इन ट्रम्प कार्ड का अपनी टीम में कहीं ना कहीं एक से अधिक टीम बना करके और इनको मैनेज कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, मैं आपको यूँ अपडेट करता रहूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।